नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी विषय में पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। इस पाठ का मैंने आपको अभ्यास करवाया था और स्वाध्याय के प्रश्न 4 तक हमने देखा था। अब हम स्वाध्याय 4 का एक प्रश्न बाकी था, पांचवा प्रश्न, वो वहां से देखते हैं। तो स्वाध्याय के प्रश्न 5 हैं। पांचवा प्रश्न है, तालाब में बरसात का पानी भरने से क्या फायदा हुआ? बरसात का तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव में क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से तालाब में बरसात का पानी भरने से बहुत फायदा हुआ, खेतों की सिंचाई हुई, और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहाने लगी। क्या हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ।
खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगी। लिख दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 86, 86 पेज नंबर पे। तो प्रश्न दो है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है। प्रश्न दो में क्या है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा। रोज बरसो। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा कि रोज बरसो। यह वाक्य कौन कहता है। तो बिल्लू कहता है। यह वाक्य बिल्लू कहता है। उसके बाद दूसरा वाक्य है, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। यह वाक्य महिमा कहती है। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। यह वाक्य महिमा कहती है। उसके बाद क्या न क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश खूब सारा पानी
भर जाए। यह वाक्य कौन कहता है? रजिया। यह वाक्य रजिया कहती है। उसके बाद है प्रश्न तीन। शब्दकोश के क्रम में लिखे। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे दुमदुमा, बादल, कड़ाही, छपाछप, लहलहाए। ये शब्द हैं। इनमें से सबसे पहले शब्द, शब्दकोश के क्रम में लिखिए विद्यार्थी मित्र, यानी कि कक्का आप लोग जो लिखते हो उसके हिसाब से क्रम में सब शब्दों को लिखना है। इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? तो कड़ाही। सबसे पहला शब्द कड़ाही आएगा। कड़ाही के बाद क्या आएगा? छपाछप। कड़ाही के बाद छपाछप, उसके बाद दुमदुमा। उसके बाद क्या आएगा? दुमदुमा। दुमदुमा के बाद क्या आएगा? बादल। और लास्ट में क्या आएगा? लहलहाए। इस तरह शब्दकोश के क्रम में शब्द लिखे जा सकते हैं।
हैं यहाँ पे प्रश्न चार। गुजराती में अनुवाद कीजिए, गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इस वाक्य का गुजराती में अनुवाद करना है तो बच्चे એટલે કે બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા, બરાબર ને? બાળકો પાણીમાં યાને કે બચ્ચે પાણી મે ખેલના ચાહતે થે, તો બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। उसके बाद आगे दूसरा वाक्य है, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानी से खेतों की सिंचाई होती है એટલે કે પાણી થી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। એવી રીતે વાક્યો બને, પાણી થી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, એટલે કે વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। ઓકે, बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, એટલે કે વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું। उसके बाद है आगे, चौथू छे, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सूची।
बच्चों ने पानी की कमी दूर करने को सोची। बाळकोए पानी नी तंगी दूर करवानो विचार्यू। बाळकોએ પાણીની તંગી દૂર કરવાનો વિચાર્યો। ઉસકે બાદ હે પાંચવા એક દિન બચ્ચે ખેલ કે मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए એટલે કે एक दिवस बाळको रमतना मैदान मा भेगा थया। एक दिवस बाळको रमतना मैदान मा भेगा थाया। उसके बाद है प्रश्न पांच। निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए समानार्थी शब्द लिखिए। उसके बाद है प्रश्न पांच। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। दूसरा है उपाय। पानी बारिश और परेशान। ठीक है, तो यहाँ पे प्रार्थना यानी कि उपासना और दूसरा क्या होता है स्तुति। उपासना और स्तुति। उसके बाद है युक्ति तरकीब। युक्ति और तरकीब। उसके बाद है वारी नीर पानी यानी कि वारी और नीर दो शब्द होते हैं। विद्यार्थी मित्रों याद रखना पानी का समानार्थी शब्द वारी भी होता है और नीर भी होता है। उसके बाद है बारिश वर्षा बरसात। बारिश का समानार्थी शब्द है वर्षा भी होता है और बरसात भी होता है। परेशान का है दुखी।
और व्याकुल। दुखी और व्याकुल। तो विद्यार्थी मित्रों, ये समानार्थी शब्द थे। परेशान यानी कि दुखी और व्याकुल। प्रार्थना का समानार्थी शब्द होता है उपासना और स्तुति। उपाय का समानार्थी शब्द है युक्ति और तरकीब। पानी का समानार्थी शब्द है बारी और नीर। बारिश का समानार्थी शब्द है वर्षा और बरसात। तो उसके बाद प्रश्न 6 है, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में कोई भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, उसे पता कीजिए और लिखिए। वह समस्या क्या है, वह समस्या क्यों है, वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, उस समस्या को दूर करने में तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ क्या योगदान देंगे, इस समस्या को आपको पत्र लेखन के द्वारा लिखनी है। तो यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद पुनरावर्तन 3 है, वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।